तो अकेन साहब सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बातें करने वाले हैं स्काई फोर्स मूवी को लेकर बात करेंगे, जहां हम सभी को पता है यार स्काई फोर्स को लेकर कल एक पूरा आर्टिकल जो है निकल कर आया, जिसमें हमें हीरोइंस के बारे में पता चला, यानी कि इसमें जो हीरोइंस है वो कौन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ हीरोइंस की, ये नहीं कर रहा कि अक्षय कुमार सर के अपोजिट कौन होगा, तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और कल आप सभी जानते हो अक्षय कुमार सर हमारे श्री केदारनाथ धाम जो है वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर क्या अक्षय कुमार सर किसी मूवी की शूटिंग भी कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस मूवी की जो है शूटिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है, क्या ओ माई गॉड 2 के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, तो मैं आप सभी को वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सी संकरण नियर बायोपिक की जो मतलब जो उसका टाइटल है वो क्या रखा गया है वो मैं आपको बताऊँगा, तो इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फोटो देख सकते हो, कल जो है हमारे अक्षय कुमार सर जो है वहाँ के मिनिस्टर से जो है मिले थे, आप देख भी सकते हो अक्षय कुमार सर, और जो जो फोटो आप फोटो में आप देख ही रहे होंगे, और जो उन्होंने ये चीज़ हम सभी के साथ शेयर की पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने लिखा आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री अक्षय कुमार जी ने बैठ की। इस अवसर पर उनसे उत्तराखंड को फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार चर्चा की, यानी कि विस्तार से जो है पूरी चर्चा की कि मतलब जो उत्तराखंड है वहाँ पर भी जो एक पूरा फिल्म का वो है वो बनाया जाए। अगर आप और चीज़ें देखोगे इसी में जो है लिखा हुआ है उन्होंने, मतलब बेसिकली केदारनाथ धाम के बारे में उन्होंने बताया और कहा है कि जो मतलब सुविधा दी जा रही है वहाँ पर, जो यात्री आ रहे हैं तीर्थ पर, मतलब जो हमारे महादेव जी के जो दर्शन करने सभी आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था जो है की गई है, सारी बातें जो है उन्होंने की है। आप देख रहे हो जो ट्वीट उन्होंने किया है, तो ये फोटो जो है मतलब जो ये ट्वीट उन्होंने कल शाम को जो है शेयर किया था, जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, तो ये जो थी फोटो आप सभी के सामने देख लोगे। और अब नेक्स्ट चीज़ को लेकर बात करेंगे, सी संकरण नेयर की जो बायोपिक बन रही है आप सभी जानते हो, तो उनका जो अब मूवी शूट चल रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जो अक्षय कुमार सर अभी इसी मूवी की जो है शूटिंग कर रहे हैं। लिखा गया द बायोपिक ऑफ सर सी संकरण नेयर इज़ लाइकली टू बी टाइटल्ड एज संकरा, यानी कि जो है उनकी जो मूवी होने वाली है अक्षय कुमार सर जिसकी शूटिंग कर रहे हैं उसका जो टाइटल अभी रखा गया है वो है संकरा, यानी कि इस मूवी का नाम संकरा हो सकता है। एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम सेट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन, रीड द स्टोरी अबाउट लाइफ, जो उनकी स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जो 90s जो है आप देख सकते हो 90s जो इसमें है अर्लियर, तो आपको मैंने दिखा दिया है सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है जो ये टाइटल है ये सही रखा गया है इस मूवी का या और कोई टाइटल हो सकता है इस मूवी का, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और फोटोज़ दिखाऊंगा मैं आप सभी को जहां पर केदारनाथ में अक्षय कुमार सर गए थे, और कुछ फ़ोटोज़ जो है निकल कर आई थी जो आपको देखने को भी मिल रही है, तो ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो और निकल कर आई है वहाँ पर केदारनाथ धाम से। हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलना भाई, सच बता रहा हूँ, कल जो वीडियो डाली मैंने उस पर आपका रिस्पॉन्स आपने कमेंट में हर हर महादेव भर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया। और आज इसमें भी जो है हर हर महादेव लिख दो, और फोटो आपको देखने को मिल रहे होंगे, अक्षय कुमार सर का लुक भी आप देख सकते हो फोटोज में, मैंने दिखा दिया है। और आगे बात करेंगे यार, जो मतलब वहां पर जो जितने भी गए हुए थे धाम पर जो घूमने गए हुए थे वहां पर अक्षय कुमार सर को फिर उन्होंने देखा, तो उनकी वीडियोस क्लिप वगैरह जो बनाई आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये कुछ वीडियोस क्लिप है जो निकल कर आई आप सभी के सामने, तो दिखा दिया। और अब नेक्स्ट चीज को लेकर बात करेंगे, स्काई फोर्स को लेकर अपडेट है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो अकेन स्काई फोर्स को लेकर बात कर लेते हैं, पैक पिंग मून जो है आप सभी जानते हो, तो इन्होंने ये चीज़ आर्टिकल जो है हम सभी के साथ शेयर किया और बताया इन्होंने सारा अली खान और निमरत कौर जो है हमें देखने को मिलने वाली है। पहले हमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई है, पिंक विल्ला ने भी बहुत सी चीज़ें जो है इस मूवी से रिलेटेड शेयर की हुई है पहले, और अब बात की जाए सारा अली खान और हमें निमरत कौर जो है देखने को मिलेंगी अक्षय कुमार सर के साथ स्काई फोर्स में। ऑल दो द डिटेल्स रिगार्डिंग देयर कैरेक्टर हैव बीन कैप्ट अंडर रैप्स, यानी कि अभी जो उनका करेक्टर है क्या होने वाला है अभी के लिए तो मतलब कुछ ज्यादा नहीं निकल कर आया। सोर्स हैव इन्फॉर्म अस दैट दे विल बी सीइंग प्लेइंग अ स्मॉल येट क्रूशियल रोल्स, यानी कि उनका छोटा रोल होने वाला है पर क्रूशियल रोल होगा जो बहुत मजेदार होगा, जो हमें मूवी देखेंगे उस समय पता चलेगा। बोथ एक्ट्रेस हैव साइन फिल्म, यानी कि दोनों ही एक्ट्रेस ने जो है फिल्म साइन कर ली है और नेक्स्ट मंथ से जो है ये अपनी शूटिंग जो है स्टार्ट कर देंगे। सारा अली खान एंड निमरत कौर आप सभी जानते हो दोनों ही काम कर चुके हैं, निमरत कौर जी तो पहले
पहले एयरलिफ्ट मूवी में जो है काम कर चुके हैं अक्षय कुमार सर के साथ, और सारा अली खान ने अभी रिसेंटली अतरंगी रे मूवी में जो है काम किया था, और आप देख सकते हो दे विल बी एक्सप्लोरिंग अ वेरी डिफरेंट रियलम इन दिस मूवी देन दे हैव इन प्रीवियस अक्षय कुमार मूवी, यानी कि जो पहले अक्षय कुमार सर की मूवी इन के साथ आई थी तो उनसे बहुत अलग होने वाला है इनको रोल वगैरह। और देख सकते हो दे आर नॉट पोर्ट्रेइंग स्टीरियो टिपिकल रोमांटिक जो आप सभी जानते हो नॉर्मल जो मतलब एक लव स्टोरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत से जो हेटर्स है इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि हाँ यार उनकी उम्र इतनी है, उनकी उम्र ऐसी है तो उनके साथ ऐसे अक्षय कुमार सर नहीं कर रहे, ऐसा रोल अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। उनका रोल है वो भी धमाकेदार, कुछ रोल अपना अलग से जो है प्ले करने वाली है इस मूवी में। आप सभी जानते हो ये मूवी एक बायोपिक है जिसमें हमें बहुत मजे आने वाले, सच बता रहा हूँ यार, वो देखेंगे फ्यूचर में और भी अपडेट्स निकल कर आएगी इससे रिलेटेड। और अब बात कर लेते हैं और भी जो शूटिंग को लेकर, कितने दिन जो है अक्षय कुमार सर की शूटिंग होने वाली है। अक्षय कुमार इज सेड टू हैव अलॉटेड ओवर 50 days टू शूट दिस फिल्म बिटवीन जून टू अक्टूबर, यानी कि जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक जो है अक्षय कुमार सर की इस मूवी की शूटिंग चलने वाली है 50 दिन। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ज़्यादा भी हो जाएंगे यार। आफ्टरवर्ड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव ऑन टू हाईली एंटिसिपेटेड हेरा फेरी लेटर दिस ईयर, यानी कि इस मूवी के बाद अक्षय कुमार सर हेरा फेरी जो थ्री जिसका टाइटल हेरा फेरी 4 है उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी को दिखा दिया है, और भी चीज़ें जो है अपडेट मिलती रहेगी इससे रिलेटेड, आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा और कुछ पता चलेगा तो यार देखते हैं। और अगेंस्ट नेक्स्ट चीज़ को लेकर बात करेंगे जो है, आप सभी जानते हो कल अंदाज मूवी के जो है 20 इयर्स कंप्लीट हुए, और कितनी मज़ेदार मूवी थी, आप सभी ने भी देखी होगी, इसमें जो सॉन्ग्स वगैरह कितने मज़ेदार रहे थे, तो यार बहुत मस्त मूवी थी सच में। अगर आप नहीं देखी है यार 90s की ये वाली अक्षय कुमार सर की मूवी तो भाई क्या ही देखा, जाकर देखो अगर नहीं देखी है तो, जो भी मतलब नए अकियंस है वैसे तो देखी होगी सभी ने, पर जिसने भी नहीं देखी है जाकर देखो, आज ही जाकर देखो, यूट्यूब वगैरह पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अब बात की जाए, देख सकते हो उसी चीज़ को लेकर जो है उन्होंने लिखा, एंड जस्ट लाइक दैट इट्स बिन 20 ईयर्स, उन्होंने कहा कि एकदम से जो है 20 ईयर्स हो गए। सुनील दर्शन सर को उन्होंने कहा, फैंस को लेकर बताया, उन्होंने कहा माई फॉर एवर हैंडसम अक्षय कुमार सर, अक्षय कुमार सर को लेकर भी उन्होंने कहा, तो सारी चीज़ें आप ट्वीट में देख ही सकते हो। और लास्ट चीज़ को लेकर बात करेंगे यार, जो है ट्रेंड कर रहा था अक्षय कुमार सर का हैशटैग अक्षय कुमार, 6000 से ज़्यादा इस पर ट्वीट थे। बात की जाए केदारनाथ धाम पर थे कल अक्षय कुमार सर, वो भी जो है उसके अक्षय कुमार सर के टैग के साथ जो है ट्रेंड कर रहा था, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये थी अपडेट्स यार, कुछ जो अपडेट्स कल पूरे दिन निकल कर आई, बहुत सी चीज़ें जो थी निकल कर आई जो मैंने आप सभी के साथ आज शेयर किया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।